नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के। आजकल जो हमारा विषय चला है, चर्चा का विषय बना हुआ है, वह नक्षत्रों को लेकर के बना हुआ है कि किस प्रकार नक्षत्रों का हमारे जीवन पर पूर्णतः प्रभाव होता है। हम जिस भी नक्षत्र में जन्मे होते हैं, उस नक्षत्र का आधा प्रतिशत हमारे जीवन से जुड़ा होता है, चाहे वह कार्य क्षेत्र से हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र से, कहीं ना कहीं से हम पर वह स्थित होता है, लागू होता है। अभी तक हमने प्रथम के 12 नक्षत्रों का बताया और आज जो नक्षत्र है उसको, वह 13वां नक्षत्र है और उसका नाम है हस्त नक्षत्र। यदि आपका जन्म भी हस्त नक्षत्र में हुआ है तो आप के लिए यह वीडियो कारगर साबित हो सकता है। जैसा कि हमने कहा कि नक्षत्रों का ही एक विशेष प्रचलन रहा है प्राचीन ज्योतिष में, और आज के ज्योतिष में भी नक्षत्रों के माध्यम से ही राशियों का निर्माण होता है और उसी के माध्यम से आगे शुभाशुभ फल बता दिया जाता है। तो आइए बात करते हैं हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र यानी कन्या राशि, इसके चारों चरण कन्या राशि गति आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के से द्वितीय से चतुर्थ चरण भी कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र भी कन्या राशि में। बुध की राशि होती है और नक्षत्र स्वामी होते हैं चंद्रमा। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों का यदि व्यवहारिक दृष्टि पर एक नज़र डाले जाए तो ऐसे जातक उत्साही होते हैं, उत्साह में बहुत अत्यधिक होती है, लेकिन निर्दयी भी होते हैं। कुशल कार्यकर्ता, पेय मदिरा आदि तरल पदार्थ के शौकीन होते हैं, कारीगर, कुशल व्यापारी और कभी कभी लापरवाही भी इनमें देखने को मिलती है। अपने परिश्रम से उन्नति करने वाले होते हैं, व्यावहारिक और विपरीत योनि के प्रति विशेष आकर्षित होते हैं। इसीलिए हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक, अत्यधिक ऐसे जातकों का प्रेम विवाह होता है। स्वच्छ हृदय वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चतुर और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह किसी भी मार्ग को चुन लेते हैं। जहाँ इनको अपना भलाई व अपना हित दिखे उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। तेज स्वभाव के होते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों का विशेषतः एक इनमें जो विशेष कमी होती है, जिसको हम नकारात्मकता कह सकते हैं, वह यह लापरवाह होते हैं और निर्दय होते हैं। किसी भी कार्य अपना हित के लिए किसी भी कार्य को कर डालते हैं। यदि इनकी व्यवसाय की बात की जाए तो कॉमर्स, सेल्समैन, क्लियरिंग एजेंट, वकील, आयात निर्यात प्रतिनिधि, टाइपिस्ट, कंप्यूटर लेखन, प्रकाशन, कृषि, वस्त्र आदि के व्यवसाय में विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि नक्षत्र व ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो हस्त नक्षत्र वाले वायु विकार, विटामिन बी की कमी, उदर विकार, आंतों में गड़बड़ी, शांस, मूत्र रोग, त्वचा आदि रोगों से ग्रसित रहते हैं और इनका इस क्षेत्र से पूर्णतः इन पर इसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात इनको इन सभी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए, भय बना रहता है इन रोगों का। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों का जो भाग्योदय होता है वह लगभग उत्तरार्ध भाग में ही होता है। जैसा कि इनका जो नक्षत्र स्वामी होता है वह चंद्रमा होता है और जो राशि स्वामी होता है बुध होता है, तो बुध के कारण बुध में जन्मे यानी कन्या राशि के हिसाब से देखा जाए तो बुध आपको स्वामित्व तो प्राप्त होता है। बुध और चंद्रमा की अच्छी युति कही गई है, लेकिन बुध से जो भाग्योदय होता है वह मध्यम भाग में होता है, अर्थात 30 वर्ष के बाद ही भाग्योदय होता है। चंद्रमा के कारण हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों को विशेष रूप से चंचलता का भी यह ज़्यादा प्रतीक होते हैं, इनमें चंचलता भी अधिक देखी गई है। इनके विशेष जो वर्ष हैं जो इनके लिए बहुत अत्यधिक शुभ हैं वह इस प्रकार से हैं 20, 25, 29, 30, 32 और 48 वर्ष इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे भी 49 से लेकर के 62 वर्ष इनके लिए सौभाग्यशाली रहने वाले। वहीं 4, 16, 22, 36 और 55 वर्ष में इनको विशेष रूप से कष्ट होता है, जिनमें इनको विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यह
हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों का एक संक्षिप्त रूप से नक्षत्र फल था। नक्षत्र से नक्षत्र का जुड़ाव हमारे जीवन के साथ ऐसा ही होता है प्रिय दर्शकों, जैसे हमें कोई पौराणिक व किसी भी चीज़ की उपलब्धि मिलती है और उसी प्रकार नक्षत्र भी हमारे जन्मांतर से ही नक्षत्र का ही विश्लेषण किया जाता है। नक्षत्र ज्योतिष अति प्राचीन ज्योतिष है और प्राचीन ज्योतिष के अंतर्गत पहले जो कार्य होते थे वह नक्षत्रों के माध्यम से ही किए जाते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको जरूर यह नक्षत्र ज्योतिष का कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा और यदि पसंद आ रहा है तो इसे शेयर अवश्य करें ताकि सब तक यह जानकारी पहुंचे। और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। साथ ही हस्त नक्षत्र के नक्षत्र में जन्मे जातकों को यदि किसी भी प्रकार से कोई समस्या है तो इनको चंद्रमा और बुध दोनों ग्रहों की उपासना करनी चाहिए और चंद्रमा का मोती भी आपको धारण करना चाहिए यदि आप अत्यधिक क्रोधवान हैं तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही मंगल कामना करते हैं। नमस्कार। साथ ही इस समय जबकि देशांतरों में ऐसी स्थिति है तो आप अपना और अपने परिवार का पूर्णतः ख्याल रखें, लॉकडाउन का भरपूर पालन करें और अपने घरों के अंदर ही रहें। और यदि आप सक्षम हैं तो ऐसे लोगों की सहायता आप अवश्य करें जो हमसे आय में बहुत पिछड़े हैं अर्थात बहुत नीचे हैं, उनकी अवश्य मदद करें। कोई भी व्यक्ति भूखा न रह जाए। मानव धर्म सर्वधर्म के बराबर है, जब मानव धर्म रहेगा तभी सभी धर्म रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।